पुलिस औरतों के लिए क्या करे। इसमें जो मेन चीज है वो है आजकल हमारी भर्तियां, जिसमें काफी इंक्रीज हो चुका है नंबर, और काफी लड़कियां आना भी चाह रही हैं, जो कि एक पॉजिटिव चेंज है और बड़ा अच्छा एक सिंबल है। सेकेंडली, हमारे पास ऐसे मौके हैं और ऐसे कुछ हमारे पास प्लेसेस हैं जहाँ पे वो एक्सक्लूसिवली रिलेटेड है औरतों से। जैसे हमारे पास एक वुमेन पुलिस स्टेशन है, इस टाइम बलूचिस्तान में 5 वुमेन पुलिस स्टेशन है और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। दूसरा हमारे पास एक सेंटर है, वुमेन एंड जुवेनाइल फैसिलिटेशन सेंटर, जो कि एक्सक्लूसिवली औरतों के लिए है, और यहाँ औरतें यहाँ पे हैं, मौजूद हैं यहाँ पे, अपनी जॉब जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सर अंजाम दे रही, और ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। दूसरा, थानों में भी हमने ऐसे एनवायरमेंट बनाया है जहाँ पे औरतें वहाँ जाके अपने जो भी मेल उनके कोलीग्स हैं या मेल उनके सीनियर हैं वहाँ पे काम कर सकती हैं, वहाँ पे उनके लिए डेस्क भी बनाए गए हैं। हमारे पास वुमेन पुलिस स्टेशन है जो कि औरतों के लिए है, यहाँ पे औरतों से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं या अब्यूजेस हैं वो हम टैकल करते हैं। सेकेंडली, वुमेन एंड जुवेनाइल फैसिलिटेशन सेंटर भी एक्सक्लूसिवली औरतों के लिए है, जहाँ पे औरतें जा सकती हैं अपना इशू, अगर वो रिलक्टेंट है या इजी फील नहीं करती पुलिस स्टेशन में जाने से, या वुमेन पुलिस स्टेशन भी एक नाम है उसके साथ के थाना है, अगर वो थाने का कल्चर से हटके कोई इन्वायरमेंट चाहती है तो वो भी है हमारे पास। वो है वुमेन एंड जुवेनाइल फैसिलिटेशन सेंटर, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, उसका माहौल डिफरेंट है, वो ओवरऑल वो बड़ा एक खूबसूरत स्ट्रक्चर है, जहाँ पे वो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में औरतों की मौजूदगी में अपने मसाइल को वहाँ पे अपना पेश कर सकती हैं, और अगर वो चाहें तो SHO जो भी कंसर्न पुलिस स्टेशन से अगर वो रुजू करना चाहें या उनसे उनकी हेल्प लेना चाहें तो भी वो वहाँ पे आके उनकी हेल्प कर सकते हैं। सो वो एक एक बहुत पॉजिटिव एंड बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है औरतों के लिए, अगर वो एजिटेंट है, नहीं जा सकती पुलिस स्टेशंस, तो ये ऑप्शन जरूर होती है। क्वेटा से मेरा ताल्लुक है और मैं यहाँ रही हूँ, तो मुझे ये हमेशा एक मुझे ये एक चीज लगती थी जो कि अवेलेबल नहीं है औरतों के लिए। तो ये स्टेप फिर मैंने IG से डिस्कस किया। IG साहब इज सच अ प्रो वुमेन, बड़ा औरतों के जो भी इश्यूज हैं वो बड़ा अंडरस्टैंड करते हैं, और फिर उन्होंने मुझे इजाजत दी। फिर हमने यहाँ पे एक मस्जिद बनाई, ये पुलिस की जानिब से है, पुलिस की ही तरफ से है। IG साहब ने इसको अप्रूव किया, जो कि मैं IG साहब की बड़ी शुक्रगुजार हूँ। इस मस्जिद का मेन पर्पज ये है कि औरतों को ये लगे, क्योंकि वुमेन पुलिस स्टेशन का या पुलिस के ऑप्शंस का शायद उनको इतना अंदाजा ना हो, या अगर वो नमाज पढ़े और साथ में लगे कि एक लेडी ऑफिसर भी है तो वो शायद नमाज पढ़ते पढ़ते वो हमारे पास भी पहुंच जाए। ये असल में एक रास्ता है नमाज से पुलिस की तरफ, ताकि वो अपने इश्यूज भी हमसे डिस्कस करें, क्योंकि मैं खुद भी वहां जाके नमाज पढ़ती हूँ और मेरा बड़ा उनके साथ, आई कैन स्पीक पश्तो, थोड़ी थोड़ी बिरादरी भी आती है और थोड़ी थोड़ी पर्शियन भी मैं तो समझ आती है, तो लोकल लैंग्वेजेस में उनके साथ मैं बात कर सकती हूँ और वो मेरे साथ बिल्कुल रेलिवेंट फील करे, रिलेट करे मेरे साथ, और हम मिलके उनके इश्यूज को इस तरीके से औरतों को हम ये बावर करें कि ये जगह है, यहाँ पे आप अपनी इश्यूज आते हैं, बिल्कुल सिटी थाने के साथ ही है, उसका मेन पर्पज यही है कि औरतें आए और इंकरेज हो और उनको ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी दें कि एक जगह है जहाँ पे आप अपने इश्यूज को रिपोर्ट कर सकते हैं।